हेलो दोस्तों, मिस्टर फैक्की इस एपिसोड में आज हम जानेंगे पनडुब्बी में रहने वाला सैनिकों के बारे में। उनकी लाइफस्टाइल कैसे होते हैं, उनको कैसे जीना पड़ता है। इन पनडुब्बी में रहने वाला सैनिकों का खाना बहुत ही सीमित होता है। उनको नहाने के लिए बहुत ही लिमिटेड फंड और लिमिटेड टाइम मिलता है। एक सैनिक एक महीने में 4 से 5 बार नहा सकते हैं या उससे भी कम। बात करें दाढ़ी और बालों का, तो उनको कटाव छटाव वहाँ पे सख्त मारना होता है। अगर बहुत इमरजेंसी में करना भी पड़ता है तो बहुत ही सावधानी के साथ। अंदर खाना बहुत ही सावधानी के साथ बनाया जाता है ताकि आग ना लग पाए। आग अगर मान लीजिए पनडुब्बी में किसी भी हिस्से में लग जाता है तो वहाँ पे ऐसी व्यवस्था होती है कि वहाँ पे पार्टीशन तुरंत निकल जाता है ऑटोमेटिक, जिससे बाकी की विषाक्त गैसें पनडुब्बी में नहीं फैल पाती है। उससे रेस्ट ऑफ पनडुब्बी पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों का कान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्हें अपने कान के सुरक्षा के लिए बहुत सावधानी के साथ रहना पड़ता है। उनको एक महीने में 2 से 3 कपड़े मिलते हैं जिसे वो एक हफ्ता पहन के बदल देता है। बात करते हैं उनके परिवारों की, तो उनको परिवारों को भी नहीं पता है वो कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे। इसकी पूरी जानकारी हेडक्वार्टर और पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की ही पर्याप्त मात्रा में होती है। हमारा सैनिकों का दिल पनडुब्बी के अंतर इसलिए धड़कता है कि हमारा देश अच्छे से धड़कता रहे। अपने सैनिकों के सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर फैलाएं ताकि हमारा सैनिकों का सर सबको पता चल सके। उनको सोने के लिए बंकर जैसा बेड दिया जाता है, इसी तरह 30 से 40 दिन चलता है। हालांकि पनडुब्बी में ज़्यादा दिन तक रहना सही नहीं होता, इसलिए कुछ कुछ दिनों पर सैनिकों का अदला बदली की भी जाती है। हम अपने इन जवान सैनिकों को अच्छे से नमन करता है। तो दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और इसी तरह रामचमय वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।